साथ काम कर पाया है। जैसे किसी को आदत बनी चाय पीने की, चाय नहीं मिली सिर दर्द कर, कभी जन्म दे चाय पी के सिखाई देगा, बाद में सिखा है ना, जन्म दे बनी है ये बाद में डाले हुए संस्कार। तब बाबा कहते बच्चे बाद में जो संस्कार डाले उसको मिटाओ, सत्युग से परमधाम से जो संस्कार लेके आए थे है ना, अनादि संस्कार, दैवी संस्कार, पवित्र थे, स्वच्छ थे, शांत थे, ऐसे संस्कार अनादि संस्कार रहे तो उसको मिटाना नहीं। कौन से संस्कार मिटाओ, जो यहां आने के बाद चाय के गड़बड़ी करने की, हाँ झूठ बोलने की, गलत सफाई नहीं, गंदगी, ये संस्कार करें, इसको मिटा के इसको थोड़ा ले जाना चाहिए, थोड़ा तो लेना चाहिए हाँ। पहले क्या करो, संस्कार मिटता ही नहीं है तो थोड़ा रहेगा तो चलेगा ना, नहीं नहीं रहेगा तो मिटा देंगे, ऐसे मिटा देंगे बताओ। आप कहेंगे भाई जी 10 साबुन लगाए दाग जाता ही नहीं है तो क्या करें, बताओ 10 साबुन लगाया, माता जी ने कहा ये साबुन लगाओ, इन्होंने कहा ये साबुन लगाओ, सब लगाया, ये दाग मिटता ही नहीं, तो उपाय बताओ, कुछ कुछ उपाय है आप हाँ। देखो माता जी कितना होशियार है, तब बाबा ने माताओं के ऊपर ज्ञान का कर लिया, अभ्यास, माता जी ने क्या सुनाया होता है, अभ्यास से परिवर्तन होता है। जैसे कुएं के ऊपर पत्थर डालते हैं और रस्सी से पानी निकालते हैं, क्या रस्सी से पत्थर काट सकते हैं, क्या कटता तो है ना, रोज अभ्यास, रोज पानी निकालते हैं, लेकिन 5-10 साल के बाद पत्थर भी कट जाता है, अभ्यास, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, अभ्यास से ही पुरानी आदत मिट जाती है। तो अभ्यास क्या, बार बार अपने को पढ़ाओ, बार बार सीखा, मुझे इनको देखते ये विचार क्यों आ रहा है, क्यों करता हूं, ये कौन है, इनसे मुझे क्या मिलेगा, अरे ये खराब ऐसे नहीं बोलो, खराब नहीं मेरा मन कर रहा, उनको परिवर्तन नहीं करो। हाँ माता जी क्या बोलते हैं, हाँ मन घोड़ा का, घोड़े पर कोई बैठा है ना तो बुद्धि पकड़, अरे ऐसा नहीं सोचो, ऐसा नहीं सोचो, ये विचार क्यों आया, ऐसे नहीं बोला, ड्रामा में मेरा पार्टी ऐसा है, मेरा तकदीरी ऐसी है, मेरा भाग्य ऐसा, ये रोना हो गया, भगवान के बच्चे होकर के रोते हो, नहीं भगवान मालिक मेरे डायरेक्टर बैठा है इधर, आपको चिंता क्या है, बाबा को बता, बाबा आप कहते हो ऐसा नहीं सोचो, लेकिन बार बार ये गलत विचार आ रहा है, क्या करूं, आप बताओ, बच्चे में बैठा है ना, मैं सिखाऊंगा, रोज मुरली सुनो है ना। तब बाबा ने आज कहा, बाप के छत्र छाया में रहो,